मैं हूं मेघा सिंह और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। एक तरफ जहां भ्रष्टाचार मामले में राहुल गांधी के ऊपर ईडी का सिकंजा कसते हुए दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के ऊपर भी ईडी और सीबीआई जो है छापेमारी कर रही है। और अब फिर से कांग्रेस के एक बड़े नेता का नाम सामने आ रहा है। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार मामले में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के जोधपुर स्थित आवास पर आज सुबह सीबीआई ने छापेमारी की है। सूत्रों ने बताया है कि जांच एजेंसी की टीम ने अग्रसेन गहलोत के ऑफिस भी पहुंचे हैं वो, और वहां पर भी पूछताछ चल रही है। साथ ही अग्रसेन गहलोत पहले से ही उर्वरक निर्यात मामले में कथित गड़बड़ी के लिए ईडी की जांच के दायरे में है। ईडी का आरोप है कि अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत ने साल 2007 और 2009 में बड़ी मात्रा में फर्टिलाइजर का अवैध रूप से निर्माण किया है। अब देखना ये है कि एक तरफ जहां ईडी ने छापेमारी की है उर्वरक निर्यात मामले में, वहीं दूसरी तरफ आज जिस तरह से सीबीआई की छापेमारी हो रही है, क्या इसके बाद अब अग्रसेन गहलोत की मुश्किलें जो है वो बढ़ जाएंगी? और यहाँ पर देखा जा रहा है कि अशोक गहलोत के ऊपर भी क्या इसकी आंच पड़ने वाली है। अब देखा एक तरफ ये भी जा रहा है कि ईडी की कार्रवाई एक तरफ जहां राहुल गांधी के ऊपर लगातार चल रही है और ईडी अब किसी को बख्शने के मूड में नहीं है, वहीं कांग्रेस पार्टी जो है लगातार यही आरोप लगा रही है बीजेपी पर कि बीजेपी आज जो है जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और सिर्फ विपक्ष पर हमला करने के लिए इस तरह की साजिशें कर रही है। लेकिन जिस तरह से एक एक कर भ्रष्टाचार मामले में कांग्रेस के कई मरे नेता के ऊपर छापेमारी हो रही है, क्या उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी डगमगाते हुए नजर आएगी? और एक तरफ जहां अशोक गहलोत के भाई पर आज सीबीआई की छापेमारी पड़ी है, क्या ये सीबीआई की छापेमारी आगे चलकर राजस्थान के सीएम यानी कि अशोक गहलोत के ऊपर भी पड़ने वाली है? और इसके बाद क्या कांग्रेस की सरकार पर भी राजस्थान में खतरा मंडराएगा? आज के लिए बस इतना ही। आगे के एसपीएन 9 न्यूज़।